देवास में ग्रामीणों ने मानवता की मिसाल पेश की। बिहार की एक महिला को अस्पताल पहुंचाया। बिहार की रिजवाना नूरी को बीमार हालत में ग्रामीणों एवं स्वास्थ्य विभाग की नीलिमा परमार ने ठीक होने तक देखभाल भी की। जहां देश में चारों तरफ कोरोना वायरस का खौफ है, वहीं देवास जिले के शिप्रा ग्राम में मानवता देखने को मिली। ग्रामीणों को क्षेत्र में संदिग्ध महिला रिजवाना नूरी बीमार हालत में मिली, जिसे स्वास्थ्य विभाग के नीलिमा परमार की पहल पर विश्वास ने महिला के भोजन आदि की व्यवस्था की। बीमार महिला का ठीक होने तक राजेश बराना ने ध्यान रखा। महिला बिहार के किसी गांव की रहने वाली थी। वहीं महिला ने डिस्चार्ज होकर शिप्रा ग्राम वासियों का आभार व्यक्त किया। ये भ्रमण इस समय देश को जिस वैश्विक आपदा से गुजरना पड़ रहा है उसके लिए जारी है, और जब तक देश इस महामारी से पूरी तरह से सुरक्षा के साथ बाहर नहीं आ जाता, तब तक हम लोग अपना भ्रमण अपने स्वास्थ्य विभाग की तरफ से सारी स्वास्थ्य संबंधी जानकारियां और लोगों के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखते हुए इस कार्य को जारी रखेंगे। अभी तक हमने 8 केस देवास भेजे थे, जिसमें से हमने देवास में 2 लोगों को आइसोलेट करवाया था, एक MG हॉस्पिटल में और एक अमलतास हॉस्पिटल में। अमलतास हॉस्पिटल में जिन महिला को हमने 1 तारीख का दिन और 2 तारीख की रात लग चुकी थी उन्हें पहुंचाते, क्योंकि हमने 12:30 बजे उन्हें एम्बुलेंस से भेजा था, वो बाहर से आई थी, वो बिहार की थी और कुछ समझ नहीं पा रही थी। चूंकि सावधानी और स्वास्थ्य और इस महामारी को देखते हुए तत्काल हमने हमारे ग्राम सुरक्षा समिति के लोगों ने, पंचायत प्रतिनिधि और गांव के जो बहुत अच्छे हमारे समझदार लोग नागरिक हैं, उनके सहयोग से उन्हें अमलतास हॉस्पिटल में आइसोलेट किया गया, जिनकी 3 जांचें कल तक हो चुकी थी। उनका नाम था रिजवाना नूरी और वो बिहार की रहने वाली है। अमलतास में आइसोलेट करने के कारण उनका मानसिक संतुलन भी ठीक हो चुका है, जिसके बाद उन्होंने अपना पूरा पता बताया। आज उनका डिस्चार्ज होने वाला था और वो डिस्चार्ज अभी शाम को 7 बजे तक हो जाएगा, उसके बाद उन्हें बिहार भेजने की तैयारी की जाएगी। मेरा नाम नीलिमा परमार, उप स्वास्थ्य केंद्र शिप्रा, जिला देवास, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बरोठा।